यूट्यूब पर क्वालिटी कंटेंट की कमी नहीं है बस उन्हें परखने में समय लगता है ऐसे में हायर मैथमेटिक्स पर वीडियो ढूंढना और भी मुश्किल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लाता रहूं। नाउ लेट्स बिगिन हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट मेक श्योर दैट कि आपने इसका प्रीवियस वीडियो जरूर देखा हो प्रीवियस वीडियो में हम देख रहे थे हाउ वी कैन फाइंड द सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस फ्रेडिलोमिटिकल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड आपको पता है फ्रेडलॉमिटिकल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड इस पैटर्न का होता है अब फेडलॉमिडिकल इक्वेशन क्या होता है उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है हम कब बोलेंगे कि वो फेडलॉमिटिकल इक्वेशन होमोजीनियस है या फिर नॉन होमोजीनियस है लीनियर है या फिर नॉन लीनियर है कब बोलेंगे उस पर भी मैंने वीडियो बना रखा है लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन इसे जस्ट प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इस पैटर्न के इंटिकल इक्वेशन दो एग्जाम्पल सॉल्व किए फिर हमने देखा क्या होता है और उसके भी हमने दो थे. आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे फाइन कर सकते हैं सोल्यूशन ऑफ दिस इंटीगल इक्वेशन बायूजिंग नॉइज स्टर्म फेनोमिना ठीक है अब जिस तरह हमने अडोमियन डीकम्पोजिशन मेथड देखा उसी से यूज करके हमने मॉडिफाइड डिकम्पोजिशन मेथड देखा था तो ये नॉइस टर्म फेनोमिना है ये भी उसी का पार्ट है क्योंकि इसमें भी हम सेम वैसे ही करने वाले हैं जैसा हमने अडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड में कहा था, किया था पर थोड़े बहुत चेंजेस इसमें होंगे ठीक है तो बढ़ते है आज की वीडियो की तरफ जहां पर हम देखेंगे कि हम फाइंड करेंगे सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस फ्रेडलोमेंटिकल इक्वेशन ऑफ सेकेंड काइंड बाई यूजिंग नॉइस टर्म फेनोमिना ठीक है तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले कुछ चीजें बता देना चाहता हूं अगर मैं किसी चीज को गलत प्रोनाउंस करूँ या फिर लिखने में मुझसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो प्लीज 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 मुझे उसके लिए माफ कर देना तो आइए बढ़ते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल की तरफ तो इस मेथड को यूज करने से पहले आपको थोड़े बहुत टर्म्स पता होने चाहिए तो सबसे पहला टर्म आता है नॉइस टर्म हम किसे कहेंगे द नॉइस टर्म्स आर आइडेंटिकल टर्म्स विद अपोजिट साइंस तो बेसिकली ऐसे टर्म्स जो सेम होंगे बट उनकी जो साइन होगी वो डिफरेंट होगी अपोजिट होंगी एक दूसरे के मान लो अगर आपके पास एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लो अगर आपके पास कॉस एक्स है तो इसका जो नॉइस टर्म होगा वो कैसा होगा सेम होगा बट उसकी अपोजिट साइन होगी जहाँ पर आप देख सकते हो ये है प्लस कॉस एक्स तो इसका जो नॉइज टर्म बन जाएगा वो हो जाएगा माइनस कॉस एक्स सिमिलरली हम बोल सकते हैं अगर मेरे पास एक टर्म है एक्सप्रेस तो दूसरा उसका नॉइस टर्म कहलाएगा अगर मैं हाँ पे बोल दूँ माइनस एक्स क्यूब तो टर्म क्या होगा उसका एक्स क्यूब होगा ठीक है तो टर्म आपको आई होप समझ में आ गया होगा तो एग्जाम्पल है हमारे पास ये क्या कहता है x x सोल्यूशन बट हम यहाँ यूज करने वाले हैं नॉइस टर्म फेनोमिना नॉइस टर्म फेनोमिना जो कि आता है डिकम्पोजिशन अडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड का एक सब पार्ट है ठीक है तो सबसे पहले हमें क्या करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करके एफ ऑफ एक्स लैमड़ा और के ऑफ एक्स डी फाइंड कर लेंगे तो आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है तो हम लिख देंगे कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म और आपको पता है ये जो भी फेडलॉमेटिकल इक्वेशन है नॉन होमोजीनियस एंड मोर ओवर सेकेंड काइंड का है जो कि इस पैटर्न का होता है तो पैटर्न को कंपेयर करके हम लोग सिंपली लिख सकते हैं हमारा जो यू ऑफ एक्स आ जाएगा वो आ जाएगा हम ऐसे बोल सकते हैं कि यू ऑफ एक्स छोड़ो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा ये जो फर्स्ट टर्म है दैट इज एक्स कॉस एक्स प्लस टू एक्स ये हमें मिल गया एफ ऑफ एक्स फिर हम फाइंड करेंगे लैमड़ा बट लैमड़ा आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी इंटीग्रेशन है उसके जस्ट साइड में प्रोडक्ट में है लैमडा तो लैमड़ा की चॉइस आ जाएगी वन और फिर हमें फाइंड करना है कर्नल दैट इज़ के ऑफ एक्स टी से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि आ जाएगा सिंपली एक्स ठीक है तो ये सब चीज़ें हमने कंपेयर करके फाइंड कर ली है तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं नॉइस टर्म फिनोमेना तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा यू नॉट ऑफ एक्स जो कि सिंपली है एफ ऑफ एक्स जो भी आपका यू नॉट ऑफ एक्स है वो आपका क्या हो जाएगा एफ ऑफ एक्स आ जाएगा ये इसका इनिशियल स्टेप है तो उसको ऐसे ही हमेशा लिखेंगे हर नॉइज स्टर्म में हम ऐसा ही करने वाले हैं फिर हम फाइंड करेंगे u1 वन ऑफ एक्स जिस तरह डिकम्पोजिशन मेथड में u1 वन ऑफ एक्स कैसे डिफाइन किया गया था लैमड़ा टाइम्स इंटीग्रेशन a टू b k ऑफ एक्स टी के ऑफ एक्स टी यू ऑफ टी डी टी सेम वे से हम यहाँ लिख देंगे तो लैमड़ा आपको पता है ऑलरेडी वन है तो कोई फर्क नहीं पड़ता इंटीग्रेशन a टू b बट इंटीग्रेशन a टू b मतलब लोअर लिमिट है जीरो और अपर लिमिट है पाए तो ये हो जाएगा जीरो टू पाए के ऑफ एक्स टी बट के ऑफ एक्स टी हमने ऑलरेडी लिखा है दैट इज़ एक्स इन टू यू ऑफ टी डी यू ऑफ टी डी बट यू वन है तो यहाँ पे यू नॉट है मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो भी नेक्स्ट टर्म आएगा वो प्रीवियस वाले टर्म्स की हेल्प लेके जनरेट करता जाएगा अब जैसे कि यू टू फाइन करना है तो सेम यही आएगा बट यू नॉट की जगह पे यू वन आ जाएगा क्योंकि यू टू में यू वन उसका जस्ट प्रीवियस वाला टर्म उसको हेल्प करेगा जनरेट करने में तो यहाँ पे हमने लिख दिया चलो उसको फाइंड आउट कर देते हैं हमें मिल जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू पाई एक्स टाइम्स यू ऑफ टी बट हमारे पास यू ऑन यूनॉट ऑफ टी नॉट ऑफ टी बट हमारे पास नॉट ऑफ एक्स है जहाँ एक्स है वहाँ टी रिप्लेस कर देंगे हमें मिल जाएगा टी टाइम्स कॉस टी प्लस टू टी डी टी अब हम क्या करेंगे इस एक्स को बाहर निकाल देंगे तो हमें सिंपली मिल जाएगा एक्स इन टू इंटीग्रेशन जीरो टू पाए टी टाइम्स कॉस टी प्लस टू टी डी टी अब यहाँ पे हम बाय पार्ट्स लगाएंगे आई होप आपको बाय पार्ट्स पता होगा कि कैसे ये लगाते हैं तो एक्स बाहर ऑलरेडी है यहाँ पे हम बाय पार्ट्स लगा देंगे तो t बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू पाए कॉस टी डी टी प्लस प्लस अब हम क्या करेंगे इंटीग्रेशन ये जो t बाहर आ गया उसका डेरिवेटिव आ जाएगा वन cos t का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा आपको पता है वो आ जाएगा साइन t डी टी जीरो टू पाए प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू पाए टू टी डी टी ठीक है अरे बाय पार्ट्स में तो यहाँ माइनस आएगा ना तो इधर माइनस आ जाएगा तो चलो अभी इंटीग्रेशन कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा टी टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉस्ट टी साइन का इंटीग्रेशन कितना डेरिवेटिव कितना होता है कॉस्टी होता है तो साइन टी आ जाएगा इसका इंटीग्रेशन माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन तो यहाँ पे माइनस साइन टी का हमें पता है जो कि होता है कॉस्ट टी बट कॉस का डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस साइन टी आता है इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस बिकम प्लस कॉस्ट टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म दैट इज टी टू कैंसल होल रेंजेस होल टर्म रेंजेस फ्रॉम जीरो टू पाए यहाँ पे सिंपली बाय पार्ट्स लगा दिया आई होप आपको आता होगा तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स इन टू लिमिट पुट करते हैं तो हमें मिल जाएगा पाए टाइम्स साइन पाए प्लस कॉस पाए प्लस पाए स्क्वायर माइनस ये टर्म टी से मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब जीरो पुट करना है तो जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा माइनस कॉस जीरो बट कॉस जीरो आपको पता है वन होता है प्लस टी स्क्वायर अगेन ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा तो यहाँ पे हम और सिम्प्लीफाई करके लिख देते हैं पाए इंटू साइन पाए पाए इंटू साइन पाए बट साइन पाए कितना होता है गाइस साइन पाए होता है जीरो तो ये टर्म वैनिश हो जाएगा कॉस पाए कितना होता है माइनस वन होता है प्लस पाए स्क्वायर माइनस वन तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स इंटू पाए माइनस सॉरी ये तो टर्म जीरो हो गया ना माइनस वन दैट इज इज सेम आपको टर्म देखने को मिल जाएगा टू क्यू आएगा टू क्यू आएगा सिंपली पाई स्क्वायर इंटू एक्स पाई स्क्वायर एक्स ना तो चलो ये हमको मिल गया हमारा प्यारा सा यू वन ऑफ एक्स जो कि हमें मिल गया अब मैंने आपको बताया है कि हमने फाइंड करना था u नॉट ऑफ एक्स जो कि हमें पता है और फाइंड करना था यू वन ऑफ एक्स तो हमें बेसिकली क्या करना पड़ता है आपको फाइंड करना है u वन ऑफ एक्सपने फाइंड कर लिया और आपको आइडेंटिफाई करना है नॉइस टर्म कौन कौन है तो नॉइस टर्म -कौन, तो कौन कौन है यहां देख सकते हो टू एक्स है और यहाँ पे देख सकते हो माइनस टू एक्स है दोनों सेम टर्म है विद अपोजिट साइन तो टू एक्स और माइनस टू एक्स टर्म क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे और इन्हें कहेंगे हम नॉइस टर्म तो नॉइस टर्म कैंसिल हो गए तो बच कौन गया और कोई कैंसिल हो सकता है यहां तो बच गया एक्स कॉस एक्स बट यहाँ पे एक्स कॉस एक्स टर्म नहीं है तो नॉट ऑफ एक्स में सिंपली एक टर्म बच गया जो कि है एक्स कॉस एक्स ठीक है हमें सिर्फ नॉट ऑफ एक्स की तरफ फोकस करना है जो टर्म इसमें बच जाएगा इसमें भी बच रहा है पाई स्क्वायर एक्स बच रहा है बट हम इसकी तरफ इंटरेस्टेड नहीं है तो जो टर्म बच जाएगा नॉट ऑफ एक्स में वो टर्म हमारा सोल्यूशन देने में मदद करेगा बट वो सोल्यूशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज यहाँ पे मैं लिखने जा रहा हूँ तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज क्या क्या था प्लस टू एक्स और माइनस टू एक्स क्या है ये नॉइस टर्म है दिस आर दिस इज द नॉइस टर्म दिस आर द नॉइस टर्म ये नॉइस टर्म है ये कैसे टर्म्स है नॉइस टर्म है तो हमारा सोल्यूशन क्या बनेगा जो नॉन कैंसल्ड टर्म है इन यूनॉट ऑफ एक्स द नॉन कैंसल्ड टर्म्स इन यूनॉट ऑफ एक्स जो कि है एक्स कॉस एक्स ये हमारा सोल्यूशन देने में हेल्प करेगा जो कि सोल्यूशन क्या लाएगा तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि यू ऑफ एक्स विच इज सेम एज नॉन कैंसल टर्म जो कि कौन है एक्स कॉस एक्स है जैसा कि मैंने आपको कहा था तो ये हमारा बन गया सोल्यूशन बट ये सोल्यूशन हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है तो इसके लिए हमें क्या करना है इस इक्वेशन में इसको पुट करके चेक करना है कि एल पार्ट आता है कि नहीं आता है आर पार्ट में पुट करेंगे और देखेंगे कि एल पार्ट आता है कि नहीं आता है अगर आ गया तो हम बोल सकते हैं इट इज अ सोल्यूशन तो सिंपली हमें क्या करना है कि जो भी हमारा आया यू ऑफ एक्स दैट इज एक्स कॉस एक्स इसको हम पुट कर देंगे आर साइड में ठीक है तो पुलिस देंगे पुट यू ऑफ एक्स इन आर पार्ट तो आर एच पार्ट आपको पता है क्या लिया था मैंने क्वेश्चन दैट इज देख लेते हैं जो कि हमने लिया था एक्स कॉस एक्स प्लस टू एक्स यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स जो कि आर एच एस पार्ट है आर एच एस पार्ट इज सेम एज एक्स कॉस एक्स प्लस कितना था टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू पाई जीरो टू पाई एक्स इंटू यू ऑफ टी डी टी ये आर एच एस पार्ट है अब इसमें हम सिंपली यू एफ एक्स को पुट कर देंगे यहाँ पे तो जहां जहाँ यू एफ एक्स है वहां पर हम सिंपली डाल देंगे तो टू एक्स प्लस इंटीग्रेशन जीरो टू पाई एक्स इंटू यू ऑफ टी बट यू ऑफ एक्स हमें पता है तो यू ऑफ टी आ जाएगा टी इंटू कॉस टी डी टी अब देखो एक्स कॉस एक्स प्लस टू एक्स प्लस एक्स टर्म कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन जीरो टू पाई टी कॉस टी डी टी अभी भी सिंपली हमें क्या कर देना है बाय पार्ट्स लगा देना है जो कि हमें मिल जाएगा यहाँ पे हम बाय पार्ट्स लगा देंगे तो हमें मिल जाएगा टी बाहर ले लूँगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस टी सिंपली होता है साइन टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी हमें लेना है जो किया जाएगा डी टी होल रेंजेस फ्रॉम ज़ीरो टू पाइव है इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स कॉस एक्स प्लस टू एक्स प्लस एक्स यहाँ पर हमें मिल जाएगा टी साइन टी माइनस माइनस बिकम प्लस कॉस टी ज इज फ्रॉम जीरो टू पाए तो एक्स कॉस एक्स प्लस टू एक्स प्लस एक्स टाइम्स पाए साइन पाए होता है जीरो ये टर्म जीरो हो गया प्लस कॉस पाए होता है माइनस वन माइनस ये टर्म जीरो माइनस कॉस जीरो इज वन माइनस माइनस वन माइनस टू तो हम बोल सकते हैं एक्स कॉस एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स प्लस टू एक्स कैट कैंसिल हमें मिल जाएगा एक्स कॉस एक्स एक्स कॉस एक्स क्या है एक्चुअली में यू ऑफ एक्स अगर आप देखो एक्स X X एक्स है ऑफ क्या था L LHS part था पार्ट तो यहाँ से हम बोल सकते हैं आर एच एस साइड इज इक्वल टू एल एच एस साइड तो यहां से हम कंक्लूजन दे सकते हैं कि जो भी हमारा यू ऑफ एक्स आया दैट इज एक्स कॉस एक्स ये क्या है इट इज द दल्यूशन किसका सोल्यूशन है गिवन फ्रेडलॉम इंटीगल इक्वेशन का ही सोल्यूशन बन जाएगा ठीक है तो बेसिकली नॉइस टर्म क्या करके देता है हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करके देता है बट उसकी गारंटी नहीं देता है क्या वो उसका सोल्यूशन है या नहीं है उसकी गारंटी कन्फर्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा हमेशा आर साइड में पुट करके और एल साइड लाना पड़ेगा अगर ये से कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो हम बोल सकते हैं कि जो भी हमारे नॉइस टर्म फेनोमिना ने हमें जो सोल्यूशन ला के दिया वो सोल्यूशन वर्थ है एग्जैक्ट है वो उसमें सेटिस्फाई करने वाला है आई होप ये वीडियो समझ में आया होगा अगर वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए कमेंट कर दीजिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है कमेंट कीजिए शेयर कीजिए और सबसे जरूरी बात चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू सो मच लव यू टेक केयर बाय बाय